आज आपको बताती हूँ ब्लीच कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी वाली ब्लीच होती है, ये नहीं कि 5 रुपये 10 रुपये वाला पैकेट हो या 20 वाला पैकेट हो ना। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिक्स करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करते हैं ना। बोरा ब्लीच, ठीक है ना। इसको मैंने डाल लिया उसके अंदर, उसका पाउडर वगैरह भी डाल लिया है, ठीक है ना। अब आपको दिखाती हूँ उसके अंदर क्या ऐड करना। और कैप्सूल है वाइटनिंग, एक ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग। सूथिंग लोशन, ठीक है ना। सारी चीजें मिक्स कर लूं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अर्के गुलाब, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर कि इससे स्किन भी अच्छी होती है और इतना साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं होता ब्लीच का। जी ब्लीच हमारी बन गई है और अब इसको लगाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ रिजल्ट। मैंने लगा ली है ब्लीच, इसको 15 मिनट या 10 मिनट रखूंगी, वो अपनी मर्जी होती है, ठीक है ना। तो आप लोग उसके बाद कर रिजल्ट दिखाती हूँ। लटका आ गया, क्या हुआ है? कुछ नहीं है, नहीं क्या कह रहा अभी अलमारी वाला? अलमारी वाला देखें अभी, उसको दिखा रहा। मैं बोला शायद कुंडे कुछ मिल जाए तो फिर पैसे कम हो जाए, गरीब तबाह दे, है ना। फ्रेंड हस्बैंड जी हो गया गरीब और अलमारी ठीक करा रहे हैं। देखे इन लोगों का काम, जब उस दिन हम गए हैं तो कितने पैसे मांग रहा है और आज हर कुंडे पे 500 उसने मांगना शुरू कर दिया। उस दिन हमारी उससे बात हुई है 1500 रुपए में, दो कुंडे थी, तीन कुंडे थे तो आज उसने तकरीबन 3000 रुपए मांगना शुरू कर दिया। तो अभी देखे अब जाएंगे तो बात करके आएंगे। मैंने उसको कॉल की थी तो मुझे तो कह रहा था नहीं देख के, मैंने कहा चले ठीक है अपना कारीगर भेजे तो देखेगा तो फिर ही है ना। आप मुंह मत लटकाए, आप हेलो हाय करें फ्रेंड से। हेलो, क्या हो गया? हेलो हाय भी भूल गए। हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखें अभी मैं शाम को उसको लेके आऊंगा और नमाजी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चले कोई बात नहीं, अगर हमारा उससे हुआ तो हम करा लेंगे, नहीं तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं बनाने लगी हूँ खाना, बाय फिर आप लोगों को किचन। हमने बनाया राजमा और ये देखे खाने लगे हैं खाना हम लोग। तो ये देखिए आप लोग बस शॉप करी जा रहे हैं। पेंसिल छोटी हो जाएगी ना। ये पेपर है, इनके एग्जाम शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखें पढ़ रही हैं, इस टाइम बच्ची पढ़ाती है और दोपहर में जाती है ट्यूशन, ट्यूशन से आई है और ये बस भी हुई हुई है। बस तीन बच्चियों के पेपर शुरू हैं, अभी बड़ी बच्चियों के पेपर नहीं शुरू। तो बड़ी बच्ची इनको पढ़ा रही है, मैंने कहा चले रिवीजन हो जाती है ना, वैसे भी आज सैटरडे है तो मैं कहा चले करवा ले काम जी। किन किन के बच्चों के पेपर शुरू हैं तो अल्लाह सभी के बच्चों को कामयाब करे जी, आमीन। हमारे बच्चों को भी कामयाब करे अच्छे नंबरों से।